हेलो इन्वेस्टर, वेलकम टू स्टॉक चैलेंज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे पेनी शेयर की जो कि रिलायंस जियो से रिलेटेड है। देख लीजिए, हाथवे केबल्स एंड डेटा कॉम। अब इसके शेयर की प्राइस 22.45 रुपये चल रही है और लगातार शेयर यहां पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा आपको। दोस्तों, वन वीक में देखें या वन मंथ में देखें, लगातार ट्रेड कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इस पर मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इस पर बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है वो मैं आपको बता दूँ, फिर इसके फंडामेंटल्स भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख लीजिए, न्यूज़ में आप देख सकते हैं, केबल टीवी और ब्रॉडबैंड बिजनेस में उतरेगी रिलायंस जियो की डेन नेटवर्क्स और हैथवे को खरीदने की घोषणा कर दी रिलायंस जियो ने। और हैथवे को इसने खरीद लिया दोस्तों, और जब से इसने खरीदा लगातार इसका स्टॉक बढ़ता हुआ जा रहा है। देख लीजिए, रिलायंस इंडस्ट्री ने घोषणा की है कि डेन नेटवर्क लिमिटेड और हैथवे केबल्स एंड डेटा कॉम लिमिटेड को बहुलांश हिस्सेदारी खरीदेगी। इसके लिए वो कुल 5,230 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी। तो दोस्तों, जब से न्यूज़ निकल कर आ रही है उसके बाद से लगातार इसका शेयर यहाँ पर ट्रेंड करता हुआ जा रहा है। कंपनी के एक बयान में यहाँ पर कहा गया है कि सौदे के लिए वह सेबी के नियमों के तहत तरजीह शेयरों के माध्यम से 2,045 करोड़ रुपये का आरंभिक निवेश करेगी। इसके अलावा डेन के मौजूदा प्रवर्तकों को 245 करोड़ रुपये में 66% हिस्सेदारी खरीदेगी। इसी तरह हैथवे में भी 51.3% हिस्सेदारी खरीदने के लिए वह तरजीह शेयरों के माध्यम से 2,940 करोड़ रुपये का आरंभिक निवेश करेगी। तो दोस्तों, रिलायंस जियो जो है वो इसमें एंट्री कर चुकी है यहाँ पर। और दोस्तों, ये जो कंपनी है हैथवे केबल्स, इसका काम काज अगर आप देखें तो हैथवे केबल्स एंड डाटा कॉम लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी। द कंपनी इज ए मल्टी सिस्टम ऑपरेटर प्रोवाइडिंग केबल्स, टेलीविजन नेटवर्क सर्विस, इंटरनेट सर्विस एंड एलाइडेड सर्विस। तो इसका जो काम काज है दोस्तों, इसको हायर कर लिया रिलायंस जियो ने। तो जियो के जो भी टावर हैं उन टावर्स में केबल का जो भी काम काज कंपनी देख रही हो, जब से जियो ने इसको हायर करा है, इसके बाद से अगर आप इसके फंडामेंटल्स देखें, इसका रेवेन्यू देखें दोस्तों, तो लगातार देख लीजिए बढ़ता हुआ आपको दिखाएगा। वहीं इसका प्रॉफिट भी देख लीजिए, लगातार बढ़ रहा है। वहीं इसकी नेटवर्थ की बात करें तो लगातार इसका नेटवर्थ बढ़ते जा रहा है। तो दोस्तों, इसके मार्केट कैप की अगर यहाँ पर बात करें तो देख लीजिए, 3,974 करोड़ रुपये का इसका मार्केट कैप आपको दिखाई देगा, जो कि बहुत ही शानदार यहाँ पर है। वहीं इसके भी करंट शेयर की प्राइस देखें तो सिर्फ और सिर्फ 22.04 रुपये में आपको मिल रहा है। बुक वैल्यू उसकी देखें तो 23 रुपये के आसपास है। आरओईसी देख सकते हैं, आरओसीई देख सकते हैं। वहीं डिविडेंड ये कंपनी अभी नहीं दे रही है। फेस वैल्यू देख सकते हैं, 2 रुपये पर शेयर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। वहीं पर इसका हाई और लो अगर देखें तो 19.6 का ये हाई था, 35 रुपये का इसने हाई मार दिया, लो इसका 19.6 का था। तो दोस्तों, आपको 22 रुपये मतलब बहुत ही बढ़िया प्राइस में मिल रहा है। 35 रुपये इसकी प्राइस हो गई थी, लेकिन अभी 22 रुपये में आपको मिल रहा है और बहुत जल्द 35 से ऊपर आपको जाता हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके मैक्सिमम चार्ट की अगर बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर तो जब ये लिस्ट हुआ था तो 42 रुपये के आसपास लिस्ट हुआ था। उसके बाद में इसने यहाँ पर 72 रुपये का हाई मार दिया। उसके बाद से स्टॉक लगातार ट्रेड कर रहा है। ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ सर्किट लग रहे हैं, स्टॉक लगातार ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। वहीं पर दोस्तों, अगर इसके चार्ट की बात करेंगे हम यहाँ पर पिछले 5 साल की, तो पिछले 5 साल में इसके रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर लॉस करवा अपने इन्वेस्टर को, वहीं 3 साल के अंदर देखें तो भी 27% का लॉस है। 1 साल की बात करें 33% का लॉस करवा दिया। 1 महीने की बात करें तो 4% का लॉस है। वहीं 1 वीक की बात करें तो देख लीजिए, 1 वीक में थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ऐसा स्टॉक क्यों बता रहे हो जो पिछले 5 साल से लॉस में चल रहा है? तो दोस्तों, भले ही ये पिछले 5 साल से लॉस में चल रहा है, लेकिन जब से रिलायंस जियो ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, इसको अपने हस्तगत कर लिया, उसके बाद से इसमें काफ़ी सारी ऐसी पोजीशंस बन गई हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी इसमें बन चुकी है कि आगे आने वाले 1 से 2 साल में या 3 साल में बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको दे करके जा सकता है। और जो इसकी 22 रुपये की प्राइस आप यहाँ देख रहे हैं, आने वाले समय में 100 से 150 रुपए बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी 5G भी लॉन्च हो रहा है, 5G का ऐलान हो चुका है। तो केबल्स का जो भी काम है वो यही कंपनी करने वाली है, तो डेफिनेटली इसके टारगेट बहुत ऊपर जाने वाले हैं, आप देख सकते हैं। वहीं अगर सबसे अच्छी बात इसके प्रोस और कॉन्स देखेंगे तो इसके प्रोस में देख सकते हैं, कंपनी अपना लगातार कर्जा चुका रही है, कंपनी ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री हो चुकी है और स्टॉक इसकी बुक वैल्यू से एकदम ठीक ठाक यहाँ पर चल रहा है दोस्तों। और पिछला क्वार्टर इसका आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार क्वार्टर इसका गुजरा है यहाँ पर, तो इसके प्रोस बहुत ही शानदार आपको देखने के लिए मिलेंगे। वहीं इसके कॉन्स अगर आप देखते हैं तो इसके कुछ कॉन्स भी है जो कि नेगेटिव है यहाँ पर, नेगेटिव रिटर्न्स पिछले 3 साल से कंपनियाँ दे रही है, इसके कॉन्स हैं। वहीं इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग्स की अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर हम इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में जाके, तो इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग्स ने तो यहाँ पर कमाल ही कर दिया दोस्तों। उसी शेयर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग 40% से ऊपर, तो यहाँ पर 94% की होल्डिंग्स यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार बनी हुई थी, लेकिन पिछले कुछ समय से
प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बेची है, फिर भी यहाँ पर ठीक ठाक होल्डिंग्स आपको 75% के आसपास देखने के लिए मिल जाएगी। वहीं पब्लिक की होल्डिंग्स यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई आपको दिखाई दे जाएगी। वहीं कंपनी के रिजर्व की अगर आप बात करेंगे यहाँ पर, तो कंपनी के रिजर्व आप देख सकते हैं लगातार आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं पर कंपनी का कर्ज जो है लगातार घटता हुआ दिखाई देगा, उसके बाद से बिल्कुल कंपनी का यहाँ पर कर्ज यहाँ पर घट चुका है फ्रेंड्स। वहीं टोटल एसेट्स की बात करते हैं, एसेट्स लगातार ईयर टू ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो बहुत ही बढ़िया कंपनी, बहुत ही शानदार कंपनी। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहें तो दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए ना करें, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो ही आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसके टारगेट बहुत ही ऊपर जाने वाले, बहुत ही शानदार टारगेट, और कंपनी लगातार ट्रेड करती हुई आपको दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। अगर आप इस वीडियो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें।